हेलो गाइस, मैं खुशी रूप आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। जब युवक पहुंचा ट्रैफिक पुलिस के पास अपनी शिकायत लेके, तब वहां पर ट्रैफिक पुलिस ने उसको ही सीओ ट्रैफिक पुलिस बना दिया और उसके बाद हुआ ये कमाल। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। अगर आपको इस टाइटल के बारे में जानने के बाद आपको कोई ऐसी मूवी याद आ रही है तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में वो मूवी क्या थी, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। इसे शुरू करती हूँ आज की न्यूज। आगरा से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहाँ पर सोनू चौहान ट्रैफिक को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस जहाँ ऑफिस है वहां पर पहुंच गए और वहां पर जाके जो वहां के इंस्पेक्टर है उनके पास जाके वो शिकायत करने लगे कि हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रैफिक हो गई है और ये ट्रैफिक बसों के कारण और ऑटोस के कारण काफी ज्यादा हो रही है, जिससे जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है। आप कुछ ना कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ कीजिए। वहां पर जो इंस्पेक्टर बैठे हुए थे उन्होंने सोनू को बताया कि ऐसा सब चीजें करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम अपने सुझाव बताओ। सोनू ने काफी सारे सुझाव बताए तो वहां पर इंस्पेक्टर उनसे काफी ज्यादा खुश हुए। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम जो सुझाव बता रहे हो ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है पर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तुम ऐसा करो, 2 घंटे के लिए मैं तुम्हें इंस्पेक्टर बनाता हूं, मैं तुम्हें वहां पर अभी ड्यूटी देता हूं, तुम ये सब चेंजेस करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम में कुछ दम है। वहां पर सोनू ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करने के बाद वो जो इंस्पेक्टर था उसने सब इंस्पेक्टर के पास एक लेटर भेज दिया कि सोनू की जो भी डिमांड हो वो पूरी की जाए, जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं वो पूरा किया जाए। तब सोनू ने काम करना शुरू किया, जीप से निकले, फ्रंट सीट पे बैठे, सबसे पहले पहुंचे बस स्टैंड और बस स्टैंड पहुंच के वहां पर जो बसेस खड़ी होती है वहां पर जाके उनको ब्रीफ किया, उनको बताया कि ये जो बसेस है ये हर वक्त, और रूल बनाया वहां पर कि बसेस जो है हर वक्त जितने भी स्टॉप है वहां पर कुछ सेकंड के लिए खड़ी होनी चाहिए, चाहे वहां पर पैसेंजर है चाहे वहां पर पैसेंजर नहीं है। ये क्यों ऐसा होता है कि आगे जाके जब बसेस प्रॉपरली इकट्ठी हो जाती है तो उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो जाता है, और इसीलिए वहां पर ब्रीफ दी गई, काफी ज्यादा अच्छा हुआ। और उसके बाद ऑटो वालों के पास गए, ऑटो वाले कम से कम 6 से 7 लोगों के इन्होंने चालान काटे और ऑटो वालों को ब्रीफ किया। हर जगह पर उनको ये चीज बोला कि ऑटो लाइन में खड़े होने चाहिए, जब सवारी आएगी तब तुम ऑटोमेटिकली वहां पर जाओगे, जो एक्चुअली रूल्स है वो रूल्स को फॉलो किया जाए। और उन्होंने रूल्स को फॉलो करवाना उनको दिखाया, और उसके बाद जब 2 घंटे हो गए तब पूरी ट्रैफिक और ये जो माहौल था काफी ज्यादा अलग नजर आ रहा था, काफी ज्यादा साफ सुथरा ट्रैफिक से कम नजर आ रहा था। और उसके बाद जब इनसे सोनू से बात की गई तब उन्होंने ये चीज बताया कि ये तो मैंने आज सिर्फ किया है क्योंकि मुझे ये एक ऑफर मिला, एक चैलेंज मिला, मैंने करके दिखाया है। पर यही चीज हर रोज हमारी पुलिस को करनी चाहिए, और वो अगर करेंगे तो इससे भी बेटर होगा। शायद मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे, उनके पास इतना ड्यूटी का टाइम होता तो वो कितना कुछ कर सकते हैं। तो भाई सच्ची बात बोली है उन्होंने। और इस पूरे मामले को जानने के बाद आपको कौन सी मूवी याद आ रही है बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में, और साथ के साथ लाइक ठोकते हैं जरूर। जय श्री सर, मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।